क्योंकि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। रही कही चौटाला ने माटी पलीत कर दिए सो गए कि अच्छा। किसान धरने पर बैठे वहाँ ने साथ नहीं दिया, बीजेपी का साथ दिया इनने। हम बीजेपी से नकार दिया हमने, अभी हम कांग्रेस का मन बना सके, हम कांग्रेस का वोट देंगे। ताकि ही मैंने बाड़ा के अपने चौक के ऊपर एक सर्वे किया था, वहाँ पर लोगों ने कहा था कि बाहरी व्यक्ति को हम वोट देंगे नहीं। वो विरोधी आदमी बोलते हैं, कोई बाहरी नहीं है, हमारा भाई है और हमारा 4 किलोमीटर पर है। मतलब बाड़ा में पूरा समर्थन उनको मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है उसको। कौन सा उम्मीदवार पर्सनली अच्छा लगता है, एक बार पार्टी को छोड़ दें तो भाई पीप के बर्थ की देखियो बर्ता जी देर बटे को रहने वाला तो भाई जाट बावड़े हैं, कांग्रेस आओगी। जाट बावड़े हैं और कांग्रेस आओगी, ये गजब की बात नहीं कह दी आपने, जाट तो बावड़े बता दिया। बीजेपी हाईकमान भी चाहती है कांग्रेस। खट्टर साहब दोर कुर्सी खुजे पा है, चटचटा स्वभाव हो गया उसका और वो नहीं चाहता और कोई सीएम बने। इसलिए ये दादा राम विलास साथ है, जो भी वो तो चले गए ना, ऊपर वाले पोस्ट पे चले गए, अब सांसद बन गए, वहाँ पे मंत्री बन गए। लेकिन आड़े भाई उसने न्यू बेरा से तेरे काम में चर्चा जीत होगी जब बूढ़ा सरकार आओगी और जब लोग रोंगे। और हाँ, आज लहर कांग्रेस की चल रही है, 1 साल के बाद लोग याद करेंगे उसे। तो जेजेपी का रहा कौन ना, तो ये तो भाजपा में आवे भी कौन है। अगर जेजेपी का ग्राउंड रहता तो इसका नेचर लगा ले और चाहे डीएनए लगा ले वो तो नहीं। चलो डीएनए पे बात नहीं करनी चाहिए, परिवार तक आप उनके बारे में। डीएनए का मतलब राजनीतिक डीएनए, तो वो जेजेपी का ही था। मैं ये परिवार। नमस्कार, मैं हूँ सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। चुनावी चर्चा को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। आज इस वक्त हम मांडी गांव में हैं और मांडी पुराणों है शायद ये, और 2-3 मांडियां हैं उसमें से, इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। मांडी पुराणों ये मांडी है और यहां पर पहुंचे हमें कुछ भाइयों की बैठक दिखाई दे गई तो हमने अपने यहां पर ही रोक लिया और सोचा कि इनसे ही ज़रा जानते हैं क्या माहौल चल रहा है बाड़ा में। तो बाड़ा हल्के का गाँव है और आपको पता ही है यहाँ पर काफ़ी सारे उम्मीदवार खड़े थे कांग्रेस से। अगर टिकटार्थियों की बात करें तो 60 थे, हालांकि 61वें को टिकट मिल चुकी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भाजपा के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है जो अभी पार्टी में शामिल हुआ था, उमेद पातुवास, और कांग्रेस से सोमवीर सिंह हैं, सोमवीर सिंह चौरान। तो और एक जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे सोमवीर घसोला, वो निर्दलीय खड़े हैं। और उसके अलावा भी अलग अलग पार्टियों के काफ़ी सारे और भी नेता हैं, लेकिन जो मैं मेनली देख पा रहा हूँ वो लोग ये कुछ हैं। तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है, मुकाबला किस तरीके का होगा, कांग्रेस ऊपर है, भाजपा ऊपर है, कोई निर्दलीय ऊपर है या कौन है, इन भाइयों से जानेंगे और आप इनकी विचार समझ के अपना फैसला बना पाएंगे। तो भाई साहब आपसे ही स्टार्ट करते हैं, क्या माहौल चल रहा है एक्चुअल में जो बाड़ा हलके का, क्योंकि मैं देखता हूँ बाड़ा जो है बहुत ही राजनीतिक हलका माना जाता है, हर एक व्यक्ति जो है राजनीतिक की अच्छी समझ रखता है। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या इस वक्त माहौल चल रहा है, जो प्रत्याशी जितने खड़े हैं मैदान में कौन बेहतर है? कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस की तरफ से लहर चल रही है अभी। अच्छा, पूरे प्रदेश में लहर चल रही है कांग्रेस की, क्योंकि लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। रही कही चौटाला ने माटी पलीत कर दिए सो गए कि अच्छा। किसान धरने पर बैठे वाइन ने साथ नहीं दिया, बीजेपी का साथ दिया इनने। हम बीजेपी से नकार दिया हमने, अभी हम कांग्रेस का मन बना सके, हम कांग्रेस का वोट देंगे, बीजेपी का वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमारी बहन बेटियां भी रोड पर घसीटी जा रही हैं, ये कोई राजनीति पॉलिसी नहीं है। राजनीति में तो गाने वाले भी आते हैं, नाचने वाले भी आते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी है। ठीक है, खिलाड़ी दो ही होते हैं, एक बॉक्सिंग का खेल होता है और एक इसका कबड्डी का होता है, एक होता है रेसलिंग जो कि कुश्ती का। अपने दम के ऊपर उसने काम किया और उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसको कुछ भी नहीं मिला। 100 ग्राम वेट था तो उसको मना कर देते, लेकिन उस लड़की की गलती नहीं है, ये गलती है जो टीम ला रखी थी ब्रजभूषण की दाब में प्रशासन है, उसकी वजह से ये हुआ है।
और अगर ये ही हो गया तो इसको मतलब हमारे तो यहाँ जीना क्या है, बाण बेटी सब किए हैं और ये पॉलिटिक्स को बताते हैं, कौन अपनी बाण बेटी को रोड के ऊपर लुटाएगा। ठीक है, तो जैसे भाजपा वाले कहते थे कि ये तो सब पॉलिटिक्स चल रहा है और पॉलिटिक्स में आज के दिन विनेश फोगाट आ भी गई है, तो पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं था ही ना, वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत अपनी बनाने के लिए। उम्र उसकी 32 साल हो रही है लड़की की, अभी वो क्या सारी उम्र गेम थोड़ी होता है, सारी उम्र गेम नहीं होता है, गेम का समय होता है, टाइम होता है, अभी वो 35-40 साल की हो जाएगी वह गेम ही करेगी, घर तो उसको भी बसाना है आपका, गेम कर लिया उसने, नाम रोशन कर लिया और बीजेपी ने भी जो कुछ करना था वो कर दिया, पूरा देश गुआंड सब देख रहा है उसके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, तो और कोई पॉलिटिक्स यहाँ की अगर हम बात करें बारडा की, तो बारडा में जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस, आपके कांग्रेस में जो प्रत्याशी आए हैं वो तो बाहरी प्रत्याशी हैं, जो यहाँ से थे जिन्होंने अपना 20,000 रुपये भर करके और नॉमिनेशन किया था टिकट के लिए, ठीक है, उनमें से किसी को कांग्रेस ने चुना नहीं, एक बाहर से व्यक्ति को लाके बैठा दिया, और जैसे मैं शायद सुन पा रहा था कि शायद 3 बार शायद हार चुके हैं वो वहाँ से और शायद इस वजह से इधर भेज दिया। ऐसा कोई नहीं है, ये भी हमारा बारडा से 4 किलोमीटर पर है गांव का गढ़वास है और हमारा भाई है, कोई भारी नहीं है और हरियाणा का हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ता कोई भारी नहीं होता है, ये अफवाह है। और हमारी बहन चंद्रावती भी 3 बार लुवारू के अंदर इलेक्शन लड़ा था और लुवारू जनता लड़वाया था, क्या वह भी भारी थी। फिर जेपी दलाल भी भारी है जो कि भिवानी से के साइड में गांव है, क्या वो भी उनके गांव का है, गांव के अंदर कोई नहीं होता है, हाईकमान जो फैसला देता है वो मंजूर होता है और मंजूर है ना। बारडा की जनता की ही, मैंने बारडा के अपने चौक के ऊपर एक सर्वे किया था, वहां पर लोगों ने कहा था कि बाहरी व्यक्ति को हम वोट देंगे नहीं, वो विरोधी आदमी बोलते हैं, कोई भारी नहीं है, हमारा भाई है और हमारा 4 किलोमीटर पर है, मतलब बारडा में पूरा समर्थन उनको मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है उसको बारडा के अंदर। अच्छा, जैसे उमेद पातुआ से हैं, भाजपा से आए हैं, पहले निर्दलीय भी खड़े रह चुके हैं और उस टाइम पे काफ़ी अच्छे वोट लिए थे, मेरे ख्याल 24,000 के आसपास वोट भी लिए थे, तो अब उनका वो हिसाब किताब नहीं रहा है, उसका ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं। 18 गांवों में पंचायत हुई थी उस टाइम के ऊपर, जिस समय चौटाला नकारा था वो टिकट के लिए कर रहा था, चौटाला ने उसको टिकट नहीं दी और वो अपने घमंड के अंदर आया था, गाँव ने उसकी मदद करी थी, 18 गाँव एक तरफी थे, एक तरफी इलेक्शन हुआ था और वहाँ से उसको मदद मिली थी, अभी ऐसा कोई नहीं है, उसके गांव से ही हार रहा है, वो गांव से ही हार रहे हैं। और बाकी जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, निर्दलीय भी खड़े हैं, उनका क्या रहने वाला है? बारडे के अंदर इतिहास है, निर्दलीय एक बार सरोम चौधरी अतर सिंह बना था, उसके बाद में बारडे में कोई निर्दलीय नहीं जीता है और जीतने के भी आसार नहीं है, पार्टी की तरफ ही लहर है, ऐसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है हमारे पास, वो पार्टी की तरफ लहर है और वो इन्होंने बता दी कांग्रेस। यहाँ ताऊजी से और पूछते हैं, ताऊजी राम राम। राम राम भैया, कि मामला चल रहा है ये जो भाई बता रहे हो उस वैसा ही कुछ है क्या मामला? जो ऐसे भाई, आपने तो काफी सारे इलेक्शन देखे होंगे, तो उन इलेक्शनों में और इस इलेक्शन में क्या फर्क लग रहा है? बस तुम फर्क लग गए भाई तो। अच्छा, कांग्रेस की लहर बात उसके बाद देखो ही कांग्रेस। हाँ, मतलब ऐसा क्या, मतलब एकदम से मंत्र मार दिया? पिछली बार आप लोगों ने तो यहाँ पे जननायक जनता पार्टी को जता रखा था, अब की बार उसको पूछ ही नहीं रहे हो? पहले जतावन की कोशिश थी, वो भी कांग्रेस में लोगों ने, वो जीतते कोई नहीं, मुझे बार डरते भाई नहीं सलाह है नहीं। और किसे पड़ा आई जो वे लोगों ने। अच्छा, मतलब अभी तो बस कांग्रेस का ही मूड है। हाँ, तो ये जैसे बाकी अभी ये जैसे इधर से जाने लग रहे हैं, तमाम सारी मेरे का वोट से ये भी लीगा वोट आपका अच्छे का। अच्छा, और पत्रवास भी लेगो और कांग्रेस भी लेगी। अच्छा, सभी उम्मीदवारों के बारे में बात करें, आपको कौन सा उम्मीदवार पर्सनली अच्छा लगता है, एक बार पार्टी को छोड़ दें तो? भाई के बर्थ की देखियो बर्ता जिस बेर बटे वो। अच्छा, मतलब सारा का सारा नया आ गया, सारा नया आया है, बीच में जनता का रहनिया कोई नहीं था ना, वो सब जनता के बीच में रहनिया नहीं,
कोई सही कोई सही मुंह तो और फिर भी बना दोगा बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा देख लो जी जनता के बीच का कोई नहीं है और लोगों को मजबूरी है कि वो उनको बनाना पड़ेगा जी भाई साहब लोहारू से हाँ लोहारू से आपकी तो हॉट सीट है आपकी बार बिल्कुल हॉट है जी बड़े बड़े नेता आ चुके बड़े बड़े नेता वहाँ पर जेपी दलाल की लहर है एक तरफा जेपी दलाल एक तरफा लहर है जी 90-10 का मुकाबला है कारण क्या है ऐसा यहाँ पे ये देखो दोनों ने कह दिया कि भाई भाजपा तो चाहिए कौन बीजेपी की लहर है जी वहाँ पर काम करे जेपी दलाल ने किसान बीजेपी के लहर है आप अरे यहाँ पे कांग्रेस की मतलब ये या हवा क्या बीच बीच में रुक रुक की कितने कितने चल रही है जी हवा बीच में पंखे वंखे ला रखे पंखे लग रहे हैं बीच में वहाँ पर दलाल है एक तरफा अच्छा फर्टिया का कोई हिसाब जी अपना तो कभी ताल्लुक नहीं पड़ेगा फर्टिया जी से बताओ बड़ा अच्छा काम कर रखा है उसने जी काम है समाज सेवी है अच्छा इंसान है लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है जेपी दलाल ही है तो समाज सेवी को तो बनाना चाहिए वैसे तो वो तो जी जनता के ऊपर निर्भर है मेरा तो समर्थन जेपी दलाल का है बाकियों का किधर जाता दिख रहा है बाकियों मेरा तो इधर बारडा में भी उम्मीद पत्तोवास नजर आ रहे हैं बारडा में भी हाँ मैं 40 गांव का राउंड करता हूँ पर डे अच्छा क्या करते हो मैं कोरियर का काम करता हूँ अच्छा तो सबसे मिलते तो हाँ सबसे मिलते बातचीत होती है बातचीत होती है तो चलो पहले तो आपके वहीं का हल्के का हाल जानते हैं क्या क्या चीजें हैं वहाँ पर जी किसानों को अच्छा मुआवजा दिया है और किसान यहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं हाँ बिल्कुल तरस रहे हैं जी हमारे यहीं से होकर के जाता है पानी पानी इधर से गांव वालों को पानी देते नहीं यहाँ से तो होके जाता है जी लेते नहीं है पानी ये लेते नहीं है हाँ इनके खेतों से तो लेते कौन है तुम पानी इनके पास कौन भाई पूरा मोरिए कौन ला रही है अच्छा मोरिए बंद कर दी मोरिए बंद जी उड़ान भाई साहब ये दादरी से पीछे नहर के हैं तो जेपी दलाल उनका सूंडिया कटवा दे से और उठत करवा दे से बंद अच्छा और बा जनता से खिलाफ सारा पानी ले जाएगा सारा पानी दादरी हल्का से वो रो रहा से जेपी दलाल ने उनका पानी नहीं लेने देते लो एक बार भाई ने और पूछ ला भाई साहब न्यू करे है सुनो मेरी बात है भाई किसी दूसरे का हिस्से का पानी कहीं और ले जा रहा है चौधरी बंशी लाल इस नहर के अंदर हमारी नहर के अंदर 1995 में हरियाणा में जो बाढ़ आई थी तब पानी आया था अच्छा। या फिर जेपी दलाल आया तभी आया है बीच में 20-22 साल व्यवस्था करनी चाहिए ना कहीं पे SYL का पंगा चल रहा है उसको ठीक नहीं करा रहे या कहीं और दूसरी जगह से पानी लेकर के आना चाहिए ये तो जी जब बीच के हिस्से का पानी मार करके और वहाँ ले जाए देखो ये लोग कह रहे हैं अपने क्या नाम लोहारो हल्कम जो नहर आई है ना ये पानी के लिए बनाई थी चौधरी बंशीलाल ने ठीक है इसकी फिर देखभाल नहीं करी 10 साल तो उड्डा का शासन हुआ 5 साल ओम प्रकाश चौटाला का हुआ उसके बाद जेपी दलाल आया हरियाणा के अंदर तब जाके पानी आया इसको बेचारे को एक बार तो निर्दलीय उठा आ गया था एक बार बीजेपी से उठा आ गया था फिर तीसरी बार इसने तान लगी है इसने खूब कड़ी मेहनत करी है किसानों को डिग्गी दी है और पौधों का सब कुछ दिया यानी जेपी दलाल ने एक की तरफ तो जेपी दलाल ओनली जेपी भाजपा ओनली भाजपा और भाइयों से जानेंगे भाई जी हाँ जी भाई साहब जी क्या रहने वाला है रहने वाला तो भाई जाट बावड़े हैं कांग्रेस आओगी जाट बावड़े हैं और कांग्रेस आओगी ये गजब की बात नहीं कह दिया आपने जाट तो बावड़े बता दिया बीजेपी हाईकमान भी चाहती है कांग्रेस आए अच्छा हाँ कैसे जैसे ये आप भारी बताओ हो बीजेपी ने भी तो टिकट नहीं बांटी है अच्छा। वो भी तो भारी ही लिया की दे है वो कसम खाया करते हैं आपके हलके का तो है ही पत्तुवास गांव आपके हलके में के का है लेकिन बीजेपी का तो लवद हो बीजेपी ने तो गाल दी है वो खुद आके गांव में कहे बोले मैं किसाना धरने पर बैठे हो मैं बोले टिगरी बॉर्डर पर बैठे हो तो भाई टिगरी बैठे थे तो बता रहे हैं टिगरी बॉर्डर पर बैठे हो तो टिगरी बॉर्डर पर जिन बैठाए थे उनके साथ क्यों गए फिर तो अच्छा। या तो आप बीजेपी का कैंडिडेट बनो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार बनो आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो कल मेरे गांव का दौरा था मेरे गांव में आगे यू कहे भाई मैं किसाना खातर बालडम बैठो मैं किसाना खातर उड्डे बैठे हो भाई क्यों बैठे हो उसने एक झूठ बोली मेरे गांव में अकबर बाजरे की खरीद मन ने करवाई हालांकि अच्छा। यहाँ सुखवेंदर मरा एमएलए था और वो आके उसने मंडी के मैं हैंड फ्री करके CM से बात करी और सब यार्ड में बालडा में सबसे पहले बाजरा की खरीद हुई नहीं तो खाली मंडियों में तो भाजपा ने कराई हाँ भाजपा ने कराई हमने को नहीं कहा लेकिन भाजपा खट्टर साहब दो कुर्सी खुशे पा है चटचटा स्वभाव हो गया उसका और वो नहीं चाहता और कोई CM बने इसलिए ये दादा राम बिलास साथ है जो भी सांसद बन गए वहाँ पे मंत्री बन गए लेकिन आड़े भाई उसने बेरा से तेरे काम में चर्चा जिद होगी जब बुड्ढा सरकार आओगी और जब लोग रोएंगे और हाँ आज लहर कांग्रेस की चल रही है
एक साल के बाद लोग याद करेंगे उस चीज ने आज भारतीय कांग्रेस की अब लहर चल रही है तो कांग्रेस अच्छा काम करवा पाई भी पाएगी अच्छा करे तो बीजेपी ने क्यों ले आवे उड्डा तो 10 साल देखे लिया वो ही उड्डा आवा है कोई दूसरा चेहरा थोड़ी है तो हम तो उसके टिकट बंटवारे के खिलाफ हाँ ये नहीं कहते अगर बीजेपी ने सुखविंदर को टिकट नहीं मिली तो आप सुखविंदर नहीं सुखविंदर नहीं किसी भी को गांव का किसी ने जिसने सदस्यता ले रखी थी ना एक साल पहले भी उसने टिकट दे दी एक साल पहले हाँ एक साल पहले भी ले रखी थी तो मेरे ख्याल से मुझे याद है पिछले चुनाव के दौरान में चले गए थे भाजपा में तो उम्मीदवार 3 महीना पहले लोकसभा पिछले चुनाव में चले गए थे पिछले चुनाव 2019 के चुनाव तो उसके बाद में फिर वो भाजपा के खिलाफ हो गए थे ये तो भाजपा के खिलाफ उठ जाके बैठे भी हैं खुद खुद आंदोलन कर रहा अगर मैं तो उसके खिलाफ हो गया था काफी सारे कर्मचारी धरनों पे तो इसमें ये कोई बात को नहीं लेकिन हम दूसरी पार्टी में तो से तो टिकट नहीं मांगी फिर वापस आकर के तो भाजपा से ही टिकट मांगी उन्होंने टिकट तो जेजेपी का रहा कोना तो ये तो भाजपा में आवे भी को नहीं अगर जेजेपी का ग्राउंड रहता तो इसका नेचर लगा लो और चाहे डीएनए लगा लो वो तो नहीं चलो डीएनए पे बात नहीं करनी चाहिए परिवार आप उनके बारे में डीएनए का मतलब राजनीतिक डीएनए तो वो जेजेपी का ही था मैं ये पारिवारिक वो बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अब जो हो रहा है सोमवीर बिल्कुल अनजान है इस हल्के से बहुत कम जाना है अच्छा किसन नहीं जाना खुद भी याद रहा है लेकिन फिर भी लोग के है देखिए इस बात ने 100% जाट बावड़े हैं बावड़ा काम करने लग रहे हैं मैं आप उनके मैं हो रहा हूँ ना मन फिर आप भी बावड़े हो रहे हैं आप भी बावड़ा हो रहे हैं अच्छा। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस के समर्थक हो गए एक साल के बाद पछताएंगे इसमें कोई दोहराया नहीं लेकिन आज कांग्रेस की आंधी चल रही है इसमें कोई बात नहीं अगर मारा 8 42 गांव है 25 जो आप आटा बोला हाँ 94-25 में 42 गांव है और 50,000 के करीब की वोटिंग है 42 गांव में एक गांव आपको ये नहीं मिलेगा कि इस गांव में बीजेपी जीता है अच्छा पूरे एरिया में सारे में कांग्रेस जीता है सारा में कांग्रेस जीता है कोई न्यू कहता फलाने गांव में जीता है वो गांव बतावनी कौन पाया है वोट की तो कम ज्यादा हो सके हैं लेकिन जीते को नहीं यार चल रही है आंधी चल रहे है उस पर चल रहे है देखो जी 1-2-3 लोगों तक आए और आते आते आंधी चल चुकी है पहले हवा थी और अब आंधी हो चुकी है देखते हैं आखिर तक तूफान उठेगा या नहीं उठेगा भाई साहब आंधी है कि हवा ही हवा रही है क्या की भाई ये भाई साहब बताओ कांग्रेस की आंधी चल पड़ी भाई लोग का मूड तो कांग्रेस की तरफ है अच्छा हाँ आंधी है गवाह है न्यू बेरा न्यू को न्यू बेरो भाई केस अच्छा। है बाकी को मूड ज्यादा कांग्रेस की तरफ हो रहा है ये थोड़ी हवा भाई दिल्ली पड़ी है ठीक है मूड कांग्रेस की तरफ अच्छा ठीक है मतलब मैं कल देख रहा था कि उन्होंने उन्होंने है ना अपना लोग काम को याद नहीं करते जितना बार डाल का केंद्र नैना चौटाला काम करगी उतना शायद ही कोई एमएलए पहले करके जाएगा या आगे कर पाएगा क्योंकि उसका बेटा डिप्टी सीएम था सबसे ज्यादा पैसा बारडा को मिला है और उसने काम करे लेकिन लोगों को काम को याद नहीं है अब तो कांग्रेस की आंधी है मैं आपने बताऊँ ठीक है तो अभी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं मैं देख रहा था भाजपा का और कांग्रेस का लगभग एक जैसा ही है पढ़ा होगा आप लोगों ने भी शायद तो जो जो चीज़ें दी हैं पढ़ तो चुके ही हैं आप कहीं पे एमएसपी की बात हो रही है कहीं पर महिलाओं को सम्मान भत्ता देने की बात हो रही है कहीं पर जो बुज़ुर्गों की पेंशन की बात हो रही है तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे कहीं यकीन हो रहा है क्या दोनों की क्योंकि अब सेम सी ही दिखती है थोड़ा बहुत अंतर है बस हाँ बीजेपी ने 2900 रुपये बताया दिए पहले उनका था कांग्रेस का इनने 200 रुपये बताया वेस्ट मार लिया हाँ लेकिन ये मुश्किल है अगर ये कर देंगे तो फिर मेरी बात सुनो पहले भी इतना बोझ है कैसे चला देंगे आओ भाई साहब आप भी आओ साथ में बैठो जरा मुश्किल है ये होना ये तो सब चुनाव का लुभाव होना वो है ठीक है नहीं कर सकते ही नहीं कर सकते चलिए आपसे थोड़ा सा और जानेंगे जी क्या लगता है बनेगी बात कोई सी पार्टी नहीं झूठी नहीं झूठी नहीं कर ही नहीं सकती बताओ कैसे कर देंगे आप ये बताओ ये तो मेरी बात सुनो हर घर में है महिला 2100 रुपये तो बताओ कैसे हो जाएगा तो कोई क्राइटेरिया बना देंगे बाद में कि बीपीएल को देंगे या कोई इतनी इनकम से तो कम वाले लिखा नहीं ना उसमें वो उसमें लिखा नहीं गया ना नहीं अगर वो लिखते ना तो मेरी बात लगा रखा होगा कहीं ना कहीं कि कंडीशन सप्लाई अगर वो लिखता ना तो भाई फिर वोट कैसे लेते ठीक है अगर इनकम का लिख देते भाई 1-80 से नीचे वालों करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे कोशे को भी नहीं मिलेंगे ठीक है चलिए आपको क्या लगता है जी मेरे को तो जी अभी कोई अभी कैंडिडेट फर्स्ट में नहीं है कांग्रेस भी नहीं है बीजेपी भी नहीं कौन है फिर कोई तीसरा लाइन में है अभी तीसरा लाइन में तीन में टक्कर है जी आज कौन
गसोला वाला सा जी, सोमवीर गसोला। अच्छा, वो भी तो कांग्रेस से ही मांग रहे थे ना टिकट, तो अब निर्दलीय, अब निर्दलीय आ गया। हाँ। तो जीतने के बाद के भी अरब किधर जाएगा। अच्छा, वो आज हम देख रहे थे, उनका प्रोग्राम भी हमने आज अटेंड किया था, तो उसमें कह रहे हैं कि बोला भाई भाजपा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, तो बची कांग्रेस ही। कांग्रेस ही बची, कांग्रेस में चले जाएगा। अच्छा। बीजेपी थी कि उससे नफरत होगी, कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, लगता है ये काम करा पाएंगे? कौन है? सोमवीर गसोला आप जिनकी बात कर रहे हैं। काम का तो भाग के बेर पट्टा जी, कुछ नहीं बेरा, काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा। पहले कुछ करवाएं, क्योंकि आपके हल्के का ही व्यक्ति है, बीच में घूमा है, पहले आपने उनको देखा होगा, तभी शायद आप उनका नाम ले रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति हो सकता है, तो देखा है कभी उन्होंने काम कराया? जी मैंने तो कौन देखा जी, आंखों के कैंप लगवाए सोमवीर गसोला, समाज सेवा करिए। जी जी, जो ये समाज सेवी है ना, यह एक नई प्रजाति पैदा होगी। अच्छा। सच्चाई है, फरटिया समाज सेवा करे है, और गोविंदपुरा शिंगानी के बीच में 6 किलोमीटर का है। गोविंदपुरा की छोरी टुटोड़े रोड पे पैदल जाए है, उन बस में नहीं बैठा दे। यह कौन सी समाज सेवा है? समाज सेवा एक बॉर्डर पर खत्म हो गया है, ये वोटा का बदला करने लग रहे हैं। आज कोई न्यू कहे आख्या कैंप लगवाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से 7,500 को लंच फ्री है, अस्पताल वाला खुद न्योरा खाए है, मारो लगवा खुद लगवा। जो कोई आम आदमी तो नहीं, भैया सेंटर की स्कीम है या बता ही नहीं आप लोगों ने पिछली बार, आप तो भाजपा के समर्थक थे, तो बताना चाहिए था ना इनके, इनको बताना चाहिए नहीं। यो यही बात है, ये समाज सेवी भी 1-2 साल तो ये कुंडू ने शुरू करी थी। भाई एक हल्के में बलराज कुंडू ने शुरू करी, हम विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक ने ये शुरू करी थी, उसका देख हम देखी बस लिया यार। बात ये नहीं है किसी पार्टी की, मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक समाज सेवा, एक दायरों क्यों है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म होगी, उड़े समाज सेवा खत्म हो जाए। हमने तो ये जिंदगी में पहले जो बुड्ढा की समाज सेवा सुनी थी, चाहे महात्मा गांधी हो किसी की, वो ये समाज नहीं, इस जाति की है या इस हल्के की है या इस क्षेत्र की है, एक क्षेत्र वो सिर्फ अपना सीधी सी बात से मोल वोट लेना है। एक आदमी आ उम्मीद न्यू कहे मन आड़े कल मारे गांव में कही मैंने 1,00,000 रुपया खेल हम दिया, तो वही 8 बाड़ खेल रहे वो वोट दे देगा, 3 रुपया है तो ये वोट बेचा गया हमें। कोई आदमी रुपया तो वैसे भी नहीं बेचनी चाहिए, तो ये बेचने वाली बात होगी। इस बात को एहसान के एक रहक में फिर आंखों का कैंप लगा के खरीद रहे हैं क्या वो? नहीं भाई, अगला जो कैंडिडेट सिनेमा करे है समाज सेवा करी है, तो जब भी जाने हुए भाई आंखा कैंप लगाया, तो खरीदने की कौन करे हमें? अच्छा। अब खरीद रहे हैं, मतलब बढ़िया काम किया ना फिर? नहीं तो आंखों का कैंप लगाना का खराब काम है, वही मैं आपसे अगर सरकार ने लगाया तो उनने लगा दिया, किसी ने तो लगाया, मतलब लोगों के लिए अच्छा काम कर भाई, अच्छा ही किया भाई, किसी की आंख बन गई हल्के में है वो अच्छे से काम, बुड्ढे आदमी की किसी की आंख बन गई तो कोई बुराई थोड़ी है। बिल्कुल सही है भाई, देहात के अंदर पता नहीं बेचारा गुड़गांव में जा नहीं सकता, और उसने यहाँ से बस में बैठा के उसको गुड़गांव में ले गया, उसको पता नहीं वो चाहे कुछ भी कर रहा हो उसने कैसे भी मतलब है, लेकिन भाई कैंप तो लगा के उसने सेवा तो करी किसी की, या ही वोट लग रही है कैंप लागण की, अपनो देश आजाद हुए आजादी तो पहली भी ये वोट, ये बहुत समाज सेवा पहली भी करा करता, वोटा का दौरा कौन जाया करता ना, तो वो इलेक्शन लड़ा करता, या समाज सेवा वो ही क्यों करे है जिसने हमें लेकर दरकार लानी है, या समझ में कोई सवाल तो है जी? नहीं सवाल, सवाल तो है ना, नहीं सवाल है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ भाई कोई तो काम करे हो, आग गबिड़ की भाई पैसा ज्यादा था उस दौरे तो भाई साहब आपने नाम लिया था, आपने नाम लिया था, अब इनके सवाल का जवाब भी सवाल का जवाब यू है दूंगा जी, रोज तक एरिए तो उड़न लगे थी पाकिस्तान बॉर्डर लग गया है, हुड्डा ने एक बिजली का काम करा था और इधर आने इधर तो पाकिस्तान आ गया, उठे जीत पास उन्होंने ठप कर दिया है या बयानी जला बंशीलाल परिवार पर पाड़ के बंशीलाल समझा हुआ था मैं निबले मतलब बंशीलाल का कुनबा नहीं छोड़ा हुड्डा ने, 3-13 कर दिया, आगे कोई से भी नहीं आएगा, एक एक ने रोज घटा। बंसीलाल के कुनबे के साथ थे? मैं तो बंसीलाल के नहीं हुआ, कदे भी नहीं होया, लेकिन दुख हुआ वो उनको साफ कर दिया भाई भाई। हाँ बयानी तो जाए की तो दुख तो होगा, विपक्ष तो दीजिए जरूरी है, बंसीलाल परिवार को पटते दुख 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 हो रहे हैं, ये आधा परिवार भाजपा में आधा कांग्रेस में, काम ने कोई को नहीं बुझे, मैं कह रहा हूँ आपको बाहर डाल का के अंदर जितना नैना चौटाला ने काम कर दिया ने, ठीक है ये ना भाई साहब भी आ गए हैं हमारी बात सुन, एक तो पीएचसी बन रही है, झगड़ा मत करना जी, झगड़ा मत करना, हमारे वोटर पहली बन गई थी उद्घाटन कर गए थे, और नहीं बड़ी कद
झगड़ा होने नहीं देंगे, लेकिन बातचीत सुनो एक मिनट, सरकार में पास तो करवाए हो, किसी ने पास तो सुनो 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट शांति 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 शांति। देखो आपस में झगड़ा नहीं करना है, ना तो जो लोग है ना वीडियो देख रहे हैं, ना जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये कहेंगे अगर वो पत्रकार भाई तो पूरा नर्द बन गया, बिड़वाया है लोगों ने, बिड़वाना नहीं मैंने, ठीक है। एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम महादेव, गांव बलाली, उसने शुरू किया था और उसके बाद में कसोलिया घूमने लग गया था। अच्छा। उस लड़के ने कैंप लगवाया था, मतलब कैंप लगाना अच्छी बात है बुरी है? नहीं, कैंप लगाना अच्छी बात है उस लड़के की, देख हम देख सोमवीर कसोला ने अच्छा काम किया। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो लड़का आज भी है नहीं कहता भाई मैं वो कर गया, लेकिन वो लड़का ये कहता है कि मैं एक दिन और भी अच्छा काम करूंगा और लगा रहूंगा। बलाली का लड़का है, सारे यही कह रहे हैं, सारे समाज से भी यही कह रहे हैं आगे चल के हम और अच्छा काम करें। ये कुछ नहीं कर रहे, ये पैसे के दम के ऊपर घूम रहे हैं, पहाड़ा सौदा होया से और ये ग्राज तो पहली कौन दिखा हमने तो कसोलिया, ये सब बेकार की बकवास है और कोई भारी तो बहुत साथ है जी उनके भी, कोई मैं बता दिया आपने आज लंबी चौड़ी मतलब पूरी बैठक कर रखी। महाराज चौधरी अतर सिंह वर्गा लोकप्रिय नेता नहीं था, जो कि वो नेता वो एमएलए नहीं बना तब भी वो आदमी उसकी छाप सीएम की भी ज्यादा रहती थी, ठीक है। और आज उसको उमेद पतवास ने भी ये कहा राजघराना को मैं बल ठोकर मार के आ गया। अच्छा। ये उसको वहां पर बोला क्रांतिकारी चौक के ऊपर, ये हमारा मान ले। मैं देखो आ जाओ आप लोग भी आए, आप लोग भी आए, आप लोगों की भी थोड़ी सुनेंगे हम, जनता का मूड ही जानने के लिए आए हैं, जनता का मूड जानने के लिए आए हैं जी, बैठो एक बार, ठीक है। कोई बात नहीं, भाई साहब सुन के आगे थे, भाई साहब लोगों की सारी बातचीत सुनी, आप पीछे से आगे निकल के आए, क्या लगा? पहले तो VTS आपका जो चैनल है उसके सभी दर्शकों को, सुमेश भाई का हमारे माइंड गाँव में पूछने का धन्यवाद, स्वागत है, धन्यवाद। मैं तो देखो भाई साहब चौधरी धर्मवीर जी का समर्थक हूँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी के ही नीतियों में विश्वास करता हूँ। तो बीजेपी जो भी हमारे इलाके में जो भी काम करवाया, जो गरीब का करवा किसी करवाया वो ठीक ही करवाया अब तक, मानते हो? तो यहाँ से उम्मीद को जिता रहे हैं? हाँ, उम्मीद को देखो वो तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, तो सर से बरकरार है ना ऐसी की कोई बात नहीं, लोग आखिर में आते आते जबान दबा देते हैं, जबान नहीं दबा जाता। देखो मैं तो बता दिया आपका, मैं तो चौधरी धर्मवीर तक सीमित हूँ, मान लो मेरा व्यक्तिगत उनसे लगा हुआ, मैंने किसी भाजपा का साथ है, भाजपा का मान लो चौधरी धर्मवीर तक मान लो, मानते हो ज्यादा नहीं कुरे देंगे, चिंता मत करो। चलो इधर हमारे दो और बुजुर्ग आए हैं हमारे साथ में जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सॉरी मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं भी इस एरिया में कभी कभी आता हूँ, नया हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दे दें, और मैं थोड़ा सा यहाँ जानने के लिए आया था कि चुनावी माहौल कैसा चल रहा था एक बार थोड़ा सा। मेरा नाम है रणबीर कड़वास जी, और क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि जो बाड़ा हल्के में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारे ही तो नए लोग आ गए हैं, ठीक है, और कुछ पुराने थे वो खफा होकर के कहीं निर्दलीय उठ गए हैं, कहीं कुछ, तो अब माहौल क्या बन रहा है लोगों के बीच में? लोगों के बीच में जो हम घूमे हाड़ बाड़ा हल्के में गए हाँ, इसमें दो तीन डाल की कहानी हो रही है। जो हल्का है ना ये कांग्रेस फॉलो करता है। अच्छा। और उसमें कहानी क्या होगी कि कांग्रेस से एक तो बाहर का कैंडिडेट आ गया, दूसरा वो कैंडिडेट जो है ना वो हैवी सा है। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, ठीक है। लास्ट कांग्रेस का नेता यहाँ पर विधायक कब बना? लास्ट बनाया धर्मवीर, चौधरी धर्मवीर जी, 2005 में। इतने टाइम के बाद सूखा पड़ा है कांग्रेस के लिए। हाँ, आप कह रहे हो कांग्रेस का यहाँ एरिया है, जो आज की जो हालात में बता रहा हूँ, ये पीछे एमपी का भी रिजल्ट ये बता रहा है, 27,000 वोट जो एक्स्ट्रा मिले। बाकी धर्मवीर जी जो है ना बढ़िया आदमी है, काम करने वाला आदमी है, लेकिन वो बताया नहीं मैंने, यहाँ माहौल मतलब जो है ना
वो बीजेपी के खिलाफ का माहौल है। कारण क्या है वो और बता दो, क्योंकि वो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हर जगह तो सेम माहौल है नहीं कई कुछ जगह, क्योंकि अभी एक भाई शायद वो चले गए, अभी कह रहे थे कि लोहारू से थे, बोले कि वहाँ तो भाजपा ही भाजपा हो रही है। उसका कारण ये है कि ये किसान बाहुल्य इलाका है, ठीक है, और किसान जो है ना वो बीजेपी से खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा, वो 13 महीने का आंदोलन हुआ और अब शायद अभी भी चल रहा है 2-3 बॉर्डर्स के ऊपर। देखो कहानी क्या हुई, आके बीजेपी ने कोई वर्ग को नहीं छोड़ा, हकीकत तो ये है। इन्होंने चाहे किसान है उनके भी लठ मारे, कर्मचारी हैं उनके भी लठ मारे, और जो खिलाड़ी हैं उनको भी लठ मारे। इन्होंने जो भी वर्ग था, कई वर्ग मतलब जो है ना वो लठ मारने का काम किया। संवाद की जगह लठ पुजारी ज्यादा हुई, ज्यादा हो। अच्छा, तो ये उनके अब भारी पड़ गया। कांग्रेस का यहाँ अड़का होने का कारण है कि मतलब जो है ना जो कैंडिडेट है उसकी छवि मतलब जो है ना उसके बारे में थोड़ी ठीक है गलत हो है, सामाजिक या मिलाप तू या गए हुए आदमी से बात करना नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। मेरे हिसाब से तो तिकोणा मुकाबला है यहाँ। किस किस के बीच में? सोमवीर गसोला कांग्रेस, पहला नाम आया आपका सोमवीर गसोला। सोमवीर गसोला मतलब सबसे पहले सोमवीर गसोला एक कारण है, सोमवीर गसोला जो है वो एक सामाजिक आदमी है और काफी सालों से यहाँ सामाजिक काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह फरटिया है लोहारू से इसी प्रकार ये आदमी है, ये भी मतलब जो है सामाजिक काम में लगा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी छवि बना ली है, छवि अच्छी है भाई, तो लोगों के बीच में माहौल भी अच्छा बन रहा है। हाँ, माहौल इसको काफी समर्थन मिल रहा है। ठीक है, माहौल भी बात में जी 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 जी। और कांग्रेस कांग्रेस का कोई लेना देना को नहीं आता। बंसीलाल वोट बैंक है, चौटाला वोट बैंक है। कांग्रेस चंद्रावती मिली 3200 वोट आए, धर्मपाल तिवाड़ा ने मिला 2200 वोट आए। कांग्रेस कभी नहीं रही है। चौधरी बंसीलाल वोट बैंक और चौटाला वोट बैंक, दो ही वोट बैंक। वोट बैंक किस साइड है बैंक? अब चौधरी बंसीलाल का वोट बैंक है, जो अविपा थी पुरानी, वो चाहे मैडम किरण चौधरी के साथ हो या सुखवेंदर अतर सिंह के परिवार के साथ हो या महिंद्रा के साथ हो, वो तीनों एक हो गए। ठीक है, तो मतलब वो हाँ, अब सुखविंदर भी कांग्रेस में चले गए हैं, तो कांग्रेस के साथ कांग्रेस में चले गया। आमने सामने इलेक्शन लड़े हैं महिंद्रा ने सुखविंदर ने, 40,000 वोट उसने लिए, 35 उसने लिए। एक बार 35 महिंद्रा ने लिए, 40 सुखविंदर ने लिए, वो जीता। ठीक है, तीन बार महिंद्रा ने 40,000 वोट लिए हैं। वो पूरा वोट बैंक जो सुखविंदर और महिंद्रा का था वो यूं का यूं बंसीलाल का है। अरे और कांग्रेस किसन को नहीं मानना, अरे कोई हुड्डा की कांग्रेस अरे कौन चल रहा है न राहुल गांधी की कांग्रेस, अरे तो चौधरी बंसीलाल की कांग्रेस और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल की इनेलो, वो ही वोट बैंक है। बारडा में कभी कांग्रेस नहीं, धर्मवीर भी पर्सनल लाइजन के कारण यहाँ से सांसद बना था, तब उसमें हुड्डा का कोई हाथ नहीं था। पुराने टाइम में इनेलो के साथ रहे थे, पुराने टाइम में इनेलो के साथ रहे थे, टाइम में इनेलो के साथ रहे थे, वो वोट बैंक कांग्रेस से बना था, लेकिन कांग्रेस का कोई विशेष वोट हो। हाँ, ई कोर वोटर जो है इसमें कोई दो राय नहीं, 30,000 वोट बारडा में बीजेपी के हैं। पुराने टाइम में इनेलो के साथ थे, पुराने टाइम में इनेलो के साथ थे, लेकिन उसके बाद में 2005 में बना था। 87 की लहर में जो 87 आई थी उसमें चौधरी धर्मवीर सिंह बनाया था, वो बनाया के था, वो तो अपने बेरा है जैसे भी हुआ था, वो उसमें परिवहन मंत्री भी बनाया था, लेकिन उसके बाद उसकी पर्सनलाइजन पूरे जिले में ठीक ठाक हो गए। हर जगह उसने जो मानस पकड़े, वो सामाजिक आदमी था, धर्मवीर सिंह ने अपने आदमी बना रखे, इसमें कोई बात नहीं, उसकी स्पेशल टीम है। ठीक है, आपसे थोड़ा जान रहे थे, पहले नाम हो गया, दो और कौन त्रिकोणीय मुकाबले में? त्रिकोणीय मुकाबले में ये कांग्रेस से सोमवीर शोराण है और इधर से जो है ना वो उमेद पतुआ से। ठीक है, इनमें क्या खासियतें देखी होंगी पार्टियों ने कि इनको दे दिया? क्योंकि सोमवीर शोराण की बात करें तो वो तो उन 60 लोगों में भी नहीं थे जो टिकट मांग रहे थे, उनमें ऐसा क्या खास बात है? क्योंकि मैं आज मैं बारडा से ही आया हूँ तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तीन बार शायद लोहारू से हार भी चुके हैं और अब वहाँ पर जगह नहीं थी तो इधर भेज दिया। वो कारण है, वो मैंने पहले बताया ना कि उनकी पर्सनल छवि के वो गए, उसके पास आदमी जाता है काम के लिए तो मतलब जो है ना ठीक पेश नहीं आते। अच्छा, ये कारण रहा है। वो तीन बार वहाँ से
कांग्रेस से हार चुके हैं। अब की बार क्या था कि अगर कांग्रेस ने ये सोचा कि अगर चौथी बार इसको टिकट दे दिया यहाँ से तो ये फिर आ रहेगा, क्योंकि जेपी दलाल जो है ना वो जेपी दलाल बगैर उसके नहीं हार रहा था। ठीक है, इनको बाहर निकाल फटिए, इनको वहाँ से बाहर निकालना था, वही वजह है कि मतलब जो इन बाड़ा की तरफ दखल। तो बाड़ा की जनता का ऐसे ही है, वो तो आप देखो बाड़ा की जनता हमेशा ही बाहर का आदमी रहा है, बाड़ा में तो हमेशा ऐसे आया। पिछली बार नैना आ गई थी सिरसा से, सिरसा वाली से आई थी वो, रणवीर जी भी आए थे। बस मतलब यहाँ के जो ये जो कैंडिडेट हैं लोकल, उनको पार्टियां अहमियत नहीं देती, मेन बात ये है। क्या कह रहे हैं? अतिथि देवो भव है, बाड़ा के लोग बाहर के मेहमान का बड़ा सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अच्छा, तो आपका मन क्या कहता है, किधर जा रहा है सारा जो पूरा चुनावी? वही जो बायो साहब ने कही ना, वही बात लगती कि ये तीनों एक सार हैं, इनमें से कोई बाजी मार सकता है। भाई साहब ने सबसे पहले नाम लिया था सोमवीर का सोला, मैं भी वही लेता हूँ सोमवीर का सोला। पहली चोट तो सोमवीर, पहली सोमवीर का सोला। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, भाई साहब ने भी कह दिया सेम टू सेम है, और इधर भी सोमवीर का सोला, इधर भी सोमवीर का सोला, और एक भाई साहब इधर भी सोमवीर का सोला, तीन वोट इधर हो गए हैं। भाई साहब किधर, एक नाम तो ये तो कांग्रेस है, और सोमवीर का सोला में 20 साल से जानू, मैं भी पार्टी में काम करूंगा, मेरा बढ़िया मित्र है, पारिवारिक मतलब आना जाना है, ब्याह शादी में सारी चीज, लेकिन उसका इलेक्शन फिलहाल बन नहीं रहा। अच्छा। गाड़ियां तो इलेक्शन को नहीं, मानस नहीं है। आपका एक नाम जी, एक नाम किसको बनाओ? मेरा अभी मैंने कोई वो डिसीजन लिया हाँ नाम है, चलिए एक नाम बताएं किसका, बनाने के लिए? हाँ बनाने के लिए, अब बनाने के लिए कुछ नहीं करते, हम तो नन्ना चौटाला का वोट दिया था, अरे फिर भी हुए दे देंगे ले, ठीक फिर भी उनका दे देंगे जी। एक बार जी आपका भी एक नाम जी, एक नाम किसको? हम कांग्रेस को, कांग्रेस हाँ जी, एक नाम कांग्रेस भाजपा, और जैसे इधर सोमवीर का सोला है, सोमवीर का सोला चार वोट जो यहाँ, तो भाई साहब सोमवीर का सोला विधायक बन गए हैं। एक भाई और उधर खड़ा है, एक मिनट आता हूँ, भाई की भी सुन लिया देखा एक बार जी। भाई साहब कि कुछ माहौल है ये इधर, जैसे सोमवीर का सोला है, चार पांच वोट हो गया आड़े बैठे, माहौल का तो पता नहीं है, लेकिन टक्कर जो है वो सोमवीर का सोला और उम्मीद पातो है। तो कौन बनेगा, एक नाम बताओ? तो वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। चलो एक भाजपा की भी आई जी, एक भाजपा की भी आ गई है, और अभी अगर यहाँ देखें तो भाई साहब चार वोट इधर सोमवीर, एक कांग्रेस, एक उधर भाजपा, कांग्रेस एक इधर, कांग्रेस वो भाजपा जी। इनके वोटिंग कहाँ है पूछो जी? मेरा गांव गोलागढ़ है। अच्छा, जो मेन जो गांव, आप तो गए फिर उधर तो शाम में गए? हाँ मैं गांव मांडी वोट तो मेरा गोलागढ़ है। तो वहाँ किसको बनाओगे? वहाँ पर है तीन, कौन श्रुति भी है, क्योंकि पहली चोट कांग्रेस है। अच्छा, आज के दिन। अच्छा, अनिरुद्ध। हाँ नाम बोलो ना, नाम बोलो। हाँ वो कहने करे आगी, और नंबर दो पर है ना। हाँ। दो पर है, एक तो अपनी लाली बीजेपी, और एक वो हाँ उनकी मतलब वो एक सार में, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। तो भाजपा और यो को निर्दलीय एक सार है, बराबर कर दिए। हाँ वो एक सार बराबर कर दिए जी जी। भाई साहब एक मिनट, ईब तो ही दो कहते हम बाहरी आदमी की बात गणी सुना, हर बाहरी आदमी ने बड़ा आगरा ईब ने बाहरी बताने लग गए। और मैं, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? मैं कालवास भिवानी से। अच्छा, आपका भिवानी पड़ता है। आपके कौन जीत रहे हैं? हल्का भवानी खेड़ा है। अच्छा, भवानी खेड़ा है। कौन आपके वहाँ से? भवानी खेड़ा से कौन कौन है? भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल है, और बीजेपी से है कपूर वाल्मीकि। ठीक है, तो किसका पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है? क्योंकि मैं अगर वहाँ से देखूं तो शायद विशंबर वाल्मीकि जी जो थे वो वहाँ से विधायक थे, मंत्री भी थे दो बार, और उसके बावजूद उनका टिकट कट गया। अब कपूर जी को वहाँ से बना दिया है, तो कहीं ना कहीं वो विरोध तो दिख ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, और विरोध वहाँ से दिख रहा है, जो अपना खरकड़ंगा है
ये जो बेल्ट है दो काम है, दो कामों में 20-25 हज़ार वोट है। ठीक है, जहाँ से पहले ये जो वाल्मीकि था तो वो जो है ना टिकट ना मिलने के बाद अब जो है ना बांट रही। ठीक है, तो मतलब वोट तो बट गए। बट गए तो कांग्रेस वहाँ से भी निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी। ठीक है, आज के मामले में। ठीक है, तो भैया अब यहाँ से अब हमें बाड़ा हल्का की डिटेल मिल गई है, तो शाम हल्के की डिटेल मिल गई है, और यहाँ से भवानी खेड़ा की मिल गई है। भाई साहब इनकी तरह एक तरफा नहीं बात करते, जो हकीकत है ना, जहाँ जो हकीकत है वो ही बयान कर रहे हो। चलिए, हकीकत बयान कर रहे हैं। और भाई साहब एक और हल्का रह गया लोहारू की, उसके भी भाई गए हुए थे, वो जा चुके हैं। ठीक है, ओवरऑल बात ये है कि यहाँ एक बैठक के अंदर है ना, देखो तमाम चीज़ें मिल गई। हमने जो स्टार्टिंग में कही थी कि बाड़ा हलके में आप किसी से भी बात करोगे, एक राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति मिलेगा, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा था लोहारू में जो हार जीत होगी ना वो 1000 से अंडर में होगी। अच्छा, मतलब इतनी नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट। कोई दादरी से भी है क्या? कोई दादरी से नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हालांकि हम हैं दादरी से, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। दादरी से शायद में रहेगा, डिटेल नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए एनीवे यहां पर घुसे एक दो भाई अंदर हैं, अगर बात करना चाहें तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। दुकान के अंदर हैं भाई। राम राम। नमस्कार। कहाँ से हो आप? यहीं से, मंडी प्राणों से। तो वोट वाटर तो बन रहा होगा ना? वोट कौन बन रहा है अपना? कैसा लगा होगा भाई, साची बताइए। वोट ना ना साची जी बने आता था पिछले साल। वोट कट गया? हाँ। किसने ईब दोबारा बनवाया? ये देखा बन लिया। हाँ। तो वोट तो गिरेगा? हाँ वोट तो गिरा है। किसका मूड बन रहा है? वोट तो जी फिलहाल तो कांग्रेस का ही मूड है। अच्छा। हाँ कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ जी कांग्रेस जिंदाबाद। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा का जी पिछले साल देखो कई काम ऐसे थे जो भाजपा नहीं करवा पाई। अच्छा, बीजेपी से आके, और एक हमारे नज़दीकी होने की वजह से हमारे बीजेपी का टिकट कट गया। हमारे मांडी गांव से हमारे विधायक है उनका सुखविंदर मांडी। हाँ सुखविंदर मांडी। तो उसकी वजह से ज़्यादातर कांग्रेस का रुख है यहाँ पर। उसकी वजह से कांग्रेस का रुख है। आप तो बाहर बैठे थे, अंदर आ गए, क्या बात? बैठे थे। आपका मूड कहाँ जा रहा है? कांग्रेस पे। कांग्रेस में? पक्का? पक्का। ऐसा क्या कारण है? कारण बीजेपी ने क्रिया क्या है? जमीन किसानों को तो मार रखा है। किसानों वाला जो मुद्दा है अभावी हो रहा है। हाँ किसानों वाला, और एक ये जो अग्निवीर वाला। अग्निवीर वाला हम बच्चे कामयाब नहीं होंगे तो हम करेंगे क्या? ठीक है, क्योंकि ये एरिया काफी रहता है आर्मी वगैरह में। आर्मी में ही था कदे से जीवन। हर घर में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फौजी मिल जाएगा। हर घर में अब वो रूटीन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, ज्यादातर रोजगार भी छिन गया। ज्यादातर कांग्रेस का ही मूड है। चलिए कांग्रेस, दो अंदर कांग्रेस हैं, एक भाई से हमने बात कर ली थी, भाजपा का वोट आया था, और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं सभी लोगों के बीच में, और चाहूँगा सहयोगी इधर आ जाएं, जरा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। और सभी लोगों का माहौल आपने देख लिया, उनके विचार भी देख लिए, क्या मुद्दे हैं वो भी देख लिए हैं, अब विचार आपको करना है, आपको फैसला लेना है 5 तारीख को। 5 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो वो फैसला अपने दिमाग में लेकर के जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको वोट दीजिएगा, कैसे कीजिएगा, फैसला आपको करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ आपको, घरों से निकलिएगा जरूर उस दिन, छुट्टी समझ करके घर मत बैठिएगा, वोट डालने जरूर जाइएगा। वोट डालेंगे एक अच्छे नेता को आप चुन पाएंगे, कल को आप सवाल भी खड़ा कर सकेंगे कि भैया मैंने आपको चुना था, आज ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका जवाब दें। तो हमारा यही कहना है वोट डालने जरूर जाइएगा, और अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग वोट डालने नहीं जा रहे हों उनको भी लेकर के जाइएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, किसी और नई जगह से कुछ और नए लोगों के साथ, कुछ चुनावी चर्चाओं के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, कुछ नई सूचनाओं के साथ भी आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।